नमस्ते दोस्तों, मैं विकास। आज मैं हमारे बाग में, अमरूदों का जो बाग है बगीचे में, वहाँ आया हुआ हूँ। तो हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग इन सब के ऊपर ही बेस्ड है। तो आज आपके लिए उस अमरूदों का जो बाग है उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप पहले हमारा बाग देख लीजिए एक बार। तो ये हमारा छोटा सा बाग है अमरूदों का, 2 साल का पौधा हो चुका है। तो इसके बारे में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो अमरूदों का बाग रहता है, पौधा रहता है, ये इसकी जो केयरिंग रहती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आपको एक अच्छा बाग, आपको एक अच्छा फल चाहिए, एक पौधे में आपको अच्छा फल चाहिए, तो उसके लिए आपको इसकी केयरिंग करनी पड़ेगी। आपको इसे हर तरह से सुरक्षित रखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पौधा रहता है ये बहुत नाजुक भी रहता है, इसके अंदर कई सारी बीमारियाँ, कई तरह के वो आ जाते हैं, दीमक लगना, कीड़े लगना, पानी की वजह से सूखना, ज़्यादा गर्मी में इनको टाइम पे ना गोड़ना, दवाई ना डालना, हर तरह से इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके बारे में आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि जो हमारा एक पौधा रहता है, एक हेल्दी पौधा रहता है। देखिए, इस पौधे के लिए आपकी टाइम पे गुड़ाई करना ज़रूरी होता है। अभी लगभग 5 या 7 दिन हुए हमने इसकी गुड़ाई करी है। इसकी गुड़ाई के तुरंत कुछ दिन तक इसको हमें विदाउट वाटर के रखना पड़ता है, ताकि इसके अंदर की जो गैसेज है या फिर जो इसके अंदर की कीटाणु हैं या फिर जो भी कीड़े हैं वो सब बाहर आए गर्मी की वजह से, और पौधे को आंतरिक रूप से नुकसान ना पहुँचा सके। उसके बाद इसको हम पानी देंगे ताकि ये ग्रोथ कर सके। गर्मी का टाइम है गाइस, तो इस टाइम आपको जो अमरूद का पौधा है इसको पानी हर 15-20 दिन में आपको पानी देना है, ताकि ये पौधा स्वस्थ रहे। ये जो हमारा पौधा है, कई जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो किसान भाई है हमारे, जो बाग लगाते हैं, जिनको अक्सर पता नहीं रहता कि पौधों के बीच में कितनी दूरी रहनी चाहिए या फिर पौधों के बीच में कितना गैप दे, ताकि पौधा अच्छे से अपनी ग्रोथ करे, पौधा अच्छे से अपने आप को रखे, या फिर उनको, किसानों को बाद में फल तोड़ने में कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि अक्सर होता है कि जब पौधा बड़ा हो जाता है तो वो आपस में उलझ जाता है। उलझने की वजह से वो पौधा, जब अपन उसका फल तोड़ते हैं तो हमें काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है हमें। तो जब हमारा पौधे की जो बेसिक दूरी रहनी चाहिए वो होनी चाहिए 15-16-17 फीट की दूरी पे होना चाहिए पौधा, ताकि वो उलझे ना, उसमें कोई इशू ना आए, कोई दिक्कत ना आए हमें फाल तोड़ने के अंदर। क्योंकि जब कम दूरी रखते हैं, 10 या 12 फीट की दूरी रखते हैं हम पौधे के अंदर, तो पौधा अच्छे से उलझ जाते हैं वो आपस में, जिससे कि हमें फाल तोड़ने में तकलीफ होती है। पौधे के अंदर आपको मैक्सिमम कम से कम 15-16-17-18 फीट की मैक्सिमम दूरी रखनी चाहिए। नहीं, अगर आप ज़्यादा रखोगे, 20-22 के समथिंग रखोगे, वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा, फिर आपका पौधे में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ आपके 200 लगने थे वहाँ आपके 180 लगेंगे, तो ऐसा रिस्क मत उड़ाइए। आप मैक्सिमम 16-17-18 फीट की तरफ, ये काफ़ी सहूलियत भरी दूरी रहती है। इसके अंदर आपको काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से फाल तोड़ पाओगे जब पौधा आपका बड़ा होगा। तो ये दूरी आपको रखनी है अगर आप स्टार्टिंग में जब पौधा लगाते हो। तो दोस्तों, जब हम पौधे की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, पौधे में सहूलियत की बात कर रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ की बात आना लाजमी है, ज़रूरी है। जो हमारा अमरूद का जो पौधा रहता है उसकी ग्रोथ सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आपकी टाइम पे सही दवाइयों के थ्रू, सही चीज़ों के थ्रू आपकी ग्रोथ सही हुई पौधे की, तो आपका फाल भी उतना ही बढ़िया आएगा जितना आपकी पौधे की ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पौधे की केयर करना, टाइम पे गुड़ाई जुताई, ये सब आपको बता दिया है मैंने। इसके साथ साथ पौधे की इम्पोर्टेंस रहती है, जब आपका पौधा सही आकार ले ले, जब वो बड़ा होने लगे, तो उसकी छटाई
आप देख सकते हैं नीचे से ये इस तरीके से उगाया गया है ताकि जब ये इस तरह से इसकी छटाई की गई है, कटाई की गई है नीचे से डालों की, ताकि जब ये पौधा बड़ा हो तो इसमें हमें फाल तोड़ने की कोई दिक्कत ना आए। एक और इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको बताना ज़रूरी थी, तो इसकी ग्रोथ की बात चल रही थी, तो ग्रोथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पौधा ग्रोथ में स्लो है या फिर कुछ है, तो खाद काफ़ी सारी आती है, उर्वरक वगैरह, मतलब कई सारी दवाइयाँ भी आती है ग्रोथ के लिए, बट जो सबसे कारगर दवाई है वो है हमारी देसी खाद। इससे बेहतर, इससे बढ़िया और इससे जल्दी असर करने वाली आपको कोई सी भी खाद, कोई सी भी दवाई मार्केट में नहीं है अवेलेबल। इससे अच्छी जो हमारी देसी खाद रहती है, आप कुछ भी ले लो, बकरी बकरियों खाद, भैंसों का, गायों का, मुर्गियों का, ये सभी खाते बहुत ही उत्तम क्वालिटी की, बहुत ही अच्छी और कारगर साबित होती है। इसमें एक तो ये सबसे, इसको यूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न है कि ये नेचुरल है, और जो हम मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सभी भाई जानते हैं, ये जो नेचुरल चीज़ रहती है उसकी बात ही अलग रहती है। नेचुरल चीज़ हमेशा इफ़ेक्टिव और अच्छी रहती है। एक बार क्या होता है ना, ये जो पौधे की डालियाँ है ये इस तरीके से टूट जाती है। पौधे की डाली टूटने के बाद लोग क्या करते हैं, तो कई बार क्या होता है, इसको हटा, इसको नहीं तोड़ा जाता, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। तो आपको बता दूँ, इसको हटा दीजिएगा, ये वेस्टेज चीज़ रहती है, टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है पूर्ण रूप से, अब ये बिना काम की हो चुकी है, ये पौधा, आपकी पौधे की ग्रोथ इसके अंदर और सोख रही है, तो आपको ये हटा देना ही फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसी डालियों को हटा दिया करिए भाइयों। कई बार क्या होता है, हमारा जो पौधा है वो फैलाव भी ले लेता है, फैलाव लेने की वजह से वो नीचे ज़मीन में फैल जाता है, वो अपनी ग्रोथ नहीं ले पाता, वो ज़मीन के अंदर फैल जाता है। तो उसके लिए क्या है, आप जो गांव में तरीके रहते हैं वो रस्सियों से बांध दिया जाता है, इस तरीके से रस्सियों द्वारा इनको बांध दिया जाता है, ताकि ये अपनी हाइट अच्छे से ले और सीधे जाए, इधर उधर ना जाए। दोस्तों एक इसमें इश्यू परेशानी ये भी आती है कि नीचे पौधे के डाउन साइडेड ये इस तरीके से एक एक्स्ट्रा पौधा निकल जाता है, एक्स्ट्रा डाल निकल जाती है, तो इनको तोड़ना भी जरूरी रहता है, क्योंकि ये पौधे की अपर ग्रोथ को डाउन करती है, ये अपर ग्रोथ को रोकती है, तो इनको इस तरीके से आप हटा दिया करिए, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ में कोई इशू ना हो। तो थैंक यू गाइस, आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको ऐसी कई सारी इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई आपको नॉलेजेबल बातें हम बताते रहेंगे, आपको नॉलेजेबल चीज़ें देते रहेंगे, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज बातें, और आपको ऐसी बातें बताएंगे, आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे जिससे आपको खेती में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको हेल्पफुल मिलेगी। तो हमारे चैनल है, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों, सभी जगह करिए, और हमें हेल्प करिए, हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।